केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी आपके पास। अभी हमारे पास जो चार ब्रांचेस रहती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में आपने वो ब्रांचेस स्टडी कर चुके हो आप लोग, केमिस्ट्री की फील्ड्स को भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम कॉर्पस की डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशंस पे आते हैं। तो अब पहली चीज आपके पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब सब ने इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री भी होती है, बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं, डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं। किस तरह से चीजें बनाई जाती हैं, उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इस डेफिनेशन में जाते हैं। तो इट डील्स विद द टेक्निक्स, इट डील्स विद द टेक्निक्स, कौन सी चीजें, कौन से तरीके एंड केमिकल प्रोसेसेस, कौन से केमिकल प्रोसेसेस आप कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, आप उसको कूल कर रहे हो, या आप उसकी कटिंग कर रहे हो किसी केमिकल के जरिए। फिर फॉर द प्रिपरेशन, किसके लिए कोई चीज बना रहे हो, ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हम इसकी डिटेल बताते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। मार्बल इंडस्ट्री आपके पास है, सोप इंडस्ट्री आपके पास है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री आपके पास, मेडिसिन इंडस्ट्री है आपके पास, सीमेंट इंडस्ट्री है आपके पास। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, जो डिफरेंट प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द टेक्निक्स इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज। मेडिसिन कैसे बना रहे हैं, मेडिसिन में कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से हमने प्रिजर्व करना है। जूस इंडस्ट्री है, उसमें आपने कैसे प्रिजर्व करना है। कृषि इंडस्ट्री, आपने उसमें जो आपके पास जानवर चीरी हुई डिफरेंट चीजें जो बनती हैं इसको कैसे आपने प्रिजर्व करना है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वो आप स्टडी करोगे किसके अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री सीधा सीधा आप यहां से समझ लो कि इट डील्स विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ डील करेगी। ज्यादा किसके साथ डील करेगी, ये न्यूक्लियस के साथ डील करेगी। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस इमिशन कर रहा है, न्यूक्लियस एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसी भी रेडिएशन की, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है। तो ये सारे हम प्रोसेसेस स्टडी करेंगे इसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली डील करते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो कंसर्न्ड विद न्यूक्लियस, कंसर्न्ड विद न्यूक्लियस। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, पहली चीज है चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, आप उसके अंदर क्या कैसा प्रोसेस कर रहे हो कि न्यूक्लियस को आपने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसका, या वहां से प्रोटॉन रिमूव कर दिया, या वहां से न्यूट्रॉन रिमूव कर दिया आपने, या आपने कोई चीज ऐड कर दी उसके अंदर, या आपने उसको किसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो चेंजिंग, जितनी भी चेंजेस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो हो रही है। दूसरी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, कि वो कौन कौन से पार्टिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। मैं कुछ के नाम ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो उसका पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे आपके पास सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम इस लेवल पे सिर्फ तीन को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो तो बाहर घूम रहा है, ठीक है, वो एटम का आ गया। न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल स्टडी करते हैं हम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पार्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। किसके अंदर मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। फिर एंड इमिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इमिट कर रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। बाज अगर आपने देखा होगा इस तरह का साइन बना होता है, इस तरह के थ्री आपके पास साइन होते हैं सर्कल में येलो कलर का, तो कहते हैं यहाँ पे रेडिएशन है, यहाँ पे क्या रेडिएशन है। तो जैसे मोबाइल के सिग्नल्स आपके जा रहे हैं वो भी रेडिएशन है, तो वो रेडिएशन न्यूक्लियस इमिट कर रहा है या वो रेडिएशन न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली तीन चीजों
पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें जो इमिशन हो रही है या उसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी, रेडिएशन की, तो वो हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम वो स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आ गया आपके पास ब्रांच, सिक्स ब्रांच आ गई आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, तो लाइफ रिलेटेड होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा। तो कंसर्न विद द सिंथेसिस, सिंथेसिस कहते हैं बनाना, सिंथेसिस किसे कहते हैं, बनाना। आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई चीज। कंपोजिशन, उस किस चीज से बना हुआ है वो, जैसे मिसाल ले लेते हैं, अब हम बात करते हैं अपने मीट की, गोश्त की, किसकी, गोश्त की। गोश्त किससे बना हुआ है, गोश्त मिलके बना हुआ है, प्रोटीन ज्यादा होती है उसके अंदर, तो वो कंपोजिशन हो गई उसकी। डीकंपोजिशन, उसको तोड़ना। आपने देखा होगा कि आपने टमाटर बाहर फेंक दिया, कुछ दिनों बाद टमाटर खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं डीकंपोज। क्या कहते हैं, डीकंपोज, जो उसकी कंपोजिशन थी वो खत्म हो जाती है, तो डीकंपोजिशन को स्टडी करते हैं। फिर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप जब चलते हो, आप जब बात करते हो, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो वो एनर्जी क्या है आपके अंदर, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जो दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। दोबारा देखते हैं इसको, कंसर्न विद द सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो उसकी सिंथेसिस है उसके बारे में स्टडी करते हैं, नेल्स जो आपके से बने हुए हैं वो स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। तो ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे, कंसर्न विद द सिंथेसिस, कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपके पास आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, ये जो हमारे एनवायरमेंट है, तो इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस विद द एनवायरमेंट। अब ये चीज आप देखें, आपने इंडस्ट्री देखी होगी कोई ना कोई, उधर से धुआं निकल रहा है, वहां से कोई केमिकल्स निकल रहे हैं, या वो केमिकल्स पानी के अंदर जा रहे हैं, तो ये वो इंटरेक्शन कि केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोसेसेस का जो इंटरेक्शन है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। जिस जगह पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे एसिड रेन का खतरा होता है, वहां पे क्या चीज होती है, एसिड रेन होती है। तो ये चीजें हम किसमें स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि जो इंट्रैक्शन है उनके आपस में किसकी, केमिकल्स की और केमिकल प्रोसेसेस की। जो केमिकल प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही है वो जब रिमूव हो रही है एयर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट है उसके उसके ऊपर, क्या इंपैक्ट है उसका उसके ऊपर, बारिश नहीं हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, वो इंपैक्ट उसका फिर ऑपोजिट आ जाता है, गर्मी ज्यादा हो रही है, जहां पे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे गर्मी भी ज्यादा होती है, क्यों, वहां पे केमिकल इमिशंस हो रही है, बहुत सारी केमिकल इमिशंस हैं जो नुकसान दे रही है। क्लियर है? तो क्या इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेसेस विद द एनवायरमेंट एंड देयर इंपैक्ट ऑन इट, वो इंपैक्ट पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, ज्यादातर नेगेटिव होता है इंडस्ट्रीज का, क्योंकि उसमें से केमिकल हार्मफुल केमिकल जो है वो रिमूव किए जाते हैं। क्लियर? अगेन हम इन चार को स्टडी करते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने स्टडी की थी। अब ये चार ब्रांचेस हमारी रह गई थी, तो पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो हम इस पे स्टडी करते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियस के साथ डील कर रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं या न्यूक्लियस कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं, डीकंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन और सब्सटेंसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और आखिरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो इंट्रैक्शन है किसकी, केमिकल सब्सटेंसेस की या केमिकल प्रोसेसेस की एनवायरमेंट के ऊपर, उसका क्या इंपैक्ट है, क्या नुकसान है उसको या क्या फायदा है उसको, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आज ये ब्रांचेस हमारी क्या होगी, क्लियर होगी, चार आठ ब्रांचेस टोटल आपके कोर्स में गिवन थी, तो ये आठ ब्रांचेस हमने आज स्टडी करते हैं। अब आगे जो केमिस्ट्री है
उसको स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस का होना बहुत ही जरूरी है। अब बेसिक डेफिनेशंस इसलिए जरूरी है कि अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस नहीं आएंगे तो आप आगे वाली चीजें समझ नहीं सकोगे। ये बेसिक डेफिनेशन आपके एमएससी लेवल तक दी जाती है, ये डेफिनेशन आगे भी पढ़ाई जाती है, तो इन डेफिनेशन को आपने जरूर याद रखना है। तो सबसे पहली चीज आ गई मैटर। सबसे पहली चीज क्या आ गई? मैटर। तो मैटर क्या है जी? एनीथिंग। मैटर इज एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मैस। कोई भी चीज जिसके जगह घेरी हुई है, जिसके कोई वजन है, वो आपके पास क्या है? मैटर, मार्कर, जगह भी घिरी हुई। हम लिविंग मैटर भी है इसमें, नॉन लिविंग मैटर भी है। ये कुर्सी, कोई भी कुर्सी है, डाइस है, ये बोर्ड है, इसने क्या किया हुआ है? एरिया कवर किया हुआ है, स्पेस कवर की हुई है। दूसरा इसका मास है, इसका दूसरा क्या आपके पास? मास है। क्लियर है? तो इसे कहते हैं एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर की समझ आ गई कि एनीथिंग, कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? दूसरे आपके पास मैटर, फिर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास आ जाता है मिक्सचर, दूसरा आपके पास आ जाता है प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इसके बाद हम इन दो को स्टडी करेंगे। तो पहली चीज क्या आ गई? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को डिफाइन हम करेंगे कि द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। क्या चीज आ गई? फिजिकल कंपोजिशन, या हम इसको कहें कंबिनेशन, फिजिकल कंबिनेशन, दो या दो से ज्यादा चीजें। अब एग्जांपल लेते हैं, घर में NaCl नमक और शुगर, इसको आपस में मिक्स कर दें, वो एक मिक्सर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? मिक्सर बन जाएगा। आपने पानी लिया, पानी के अंदर ज्यामिति मिक्स कर दी, पानी के अंदर ज्यामिति मिक्स कर दी, तो वो आपके पास क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों। तो मिक्सचर की समझ आ गई? मिक्सचर क्या है जी? द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब अगर चाय की बात करें, चाय भी मिक्सचर है। अगर आप चाय की बात करें तो चाय में पत्ती इस्तेमाल की जाती है, टी, फिर उसमें शुगर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मिल्क इस्तेमाल किया जाता है, वाटर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दो से ज्यादा चीजें होगी। अगर आप खाली जो है पानी लेते हैं, उसके अंदर खाली आप दूध मिक्स कर रहे हैं, तो आप दूध और पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो आपके पास एक मिक्सचर हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर के फिर दो फर्दर टाइप्स हैं। मिक्सचर के फिर दो फर्दर टाइप्स हैं। एक आ जाता है होमोजीनियस, दूसरा आ जाता है हेटेरोजीनियस, हेटेरो या हेटेरोजीनियस। अब होमो जो है इसका मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम, जीनियस कहते हैं मिक्सचर, जीनियस कहते हैं मिक्सचर को। कंपोजिशन आ गई आपके पास के ये बात कर रहे हैं यहां पे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस मिक्सचर्स व्हिच हैव यूनिफॉर्म, व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। कैसे? चाय बनाई 20 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 20 लोगों के लिए। 20 प्याली चाय बनाई आपने। अब जब आपने वो चाय बनाई तो उस 20 के एक पतीले में से आपने 20 में ट्रांसफर की, 20 प्यालियों में ट्रांसफर की, तो तकरीबन सबका जायका सेम था। जायका सबका क्या था? सेम था। तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन क्या है? सेम है। कंपोजिशन क्या है? सेम है। अब एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। घर में आपने एक ग्लास के अंदर नमक मिक्स किया, कंप्लीटली मिक्स कर दिया, उसके अंदर सॉल्यूशन बन गया आपके पास, वो मिक्सर हो गया आपके पास एक। अब उसमें से आप एक कतरा निकालें, उसमें से आप एक चम्मच निकालें, या आधा ग्लास से आधा करते हैं, तो उस तीनों का जो जायका होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जायका क्या होगा? सेम। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो कंपोजिशन है आपके पास, क्या चीज? कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चाहे आप एक कतरा निकालें, चाहे आप दो कतरे निकालें, चाहे आप पूरी बाल्टी बनाएं, आपके पास कंपोजिशन क्या आएगी? उसकी सेम आएगी। क्लियर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर और दोस मिक्सचर हैविंग
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरा जो मिक्सचर है आपके पास उसमें उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम रहेगी। कंपोजिशन क्या होगी, सेम रहेगी उसमें, क्लियर है। उसके बाद जाते हैं हेटरोजीनियस। हेटरो का मतलब है डिफरेंट, हेटरो का क्या मतलब है, डिफरेंट, ठीक है। ये चीज आपके पास क्या आ गई, डिफरेंट, तो सिंपल आ गया आपके पास, क्लियर, कि इसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगी। तो हेटरोजीनियस आर दोज मिक्सचर व्हिच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कि थ्रू आउट द मिक्सचर जो है इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती आपके पास। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सैंड एंड वाटर, सैंड प्लस वाटर। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, मड प्लस वाटर। अब यहां पे आप एक चीज देखें, घर में जाएं चीनी को मिक्स करें तो उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, तो वो होमोजीनियस आ गया। उसी जगह पे सैंड को अगर आप मिक्स करें, किसको, सैंड को, जब सैंड को मिक्स करेंगे उसको आप मिक्स करके छोड़ दें थोड़ी देर, तो नीचे बैठ जाएंगे कुछ पार्टिकल्स। जब आप उसको किसी और बर्तन में डालेंगे तो एक बर्तन में पार्टिकल्स सैंड के ज्यादा होंगे, दूसरे जो है उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो उसका मतलब है कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको हेटरोजीनियस कहते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट मिक्सचर, सैंड और वाटर जो है इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है। अब हमारी आखिरी डेफिनेशन आ जाएगी प्योर सब्सटेंस में, कि प्योर सब्सटेंस क्या है आपके पास, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी। तो द मैटर की वो टाइप, मैटर की वो टाइप जो प्योर है उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस में एक आपके पास आ जाएगा एलिमेंट, दूसरा आपके पास आ जाएगा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है जी, एलिमेंट इज दैट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू सिंपल आयंस। क्या आप इसको सिंपलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैसे, कि फॉर एग्जांपल आयरन एक एलिमेंट है, आपके पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आप इसको सिंपल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, सिंबल्स के साथ, इसके साथ सिंबल के साथ। 1814 में बर्जीलियस, उसने सिंबल्स के बारे में बताया कि आप एलिमेंट को सिंबल्स की तरह रिप्रेजेंट करो, कैसे, कि यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी जगह बर्जीलियस ने कहा कि आप खाली ओ लिखते हैं, आप खाली ओ लिखते हैं। तो ये फिर उसके बाद हम इसके सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स वो आपका प्योर सब्सटेंस है जिसकी ब्रेकडाउन फर्दर नहीं होती। कंपाउंड क्या आ गया जी, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कंपाउंड में हम यहां पर कर लेते हैं NaCl, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए, वाटर, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ, तो ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड कैसे प्योर है, आप दुनिया के किसी कोने में से भी पानी उठा के ले आए, उसका फार्मूला H2O ही होगा, अगर उसमें इंप्यूरिटी ना हो, उसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, H2O ही होगा। तो आप कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फार्मूला के साथ, किसके साथ, फार्मूला के साथ। तो फार्मूला क्या है जी, कॉम्बिनेशन है किसकी, एलिमेंट्स की, कॉम्बिनेशन है किसकी, एलिमेंट्स की। और कंपाउंड जो है उसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है, कंपाउंड की क्या होती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, जहां से मर्जी आप उठा के ले आओ वाटर, रेशो उसकी 2:1 ही होगी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दुनिया के किसी कोने से पानी ले आओ। तो फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कंपाउंड की। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट है, थ्रू आउट द मिक्सचर जो है वो सेम रहती है आपके पास, जहां से पानी लेकर आओगे पानी का फार्मूला आपके पास H2O ही रहेगा अगर वो प्योर है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।